आजकल दौर चल रहा है इंटरव्यू लेने का और इंटरव्यू देने का। साहब संदीप माहेश्वरी की बात करें या फिर हम बात करें हमारे बड़े बिजनेस वाले साहब की, सभी लोग आजकल इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोग कितना कंटेंट है, कितना कंटेंट बनाएंगे, और जब दो अच्छी हस्तियां मिलकर कोलैबोरेट करती है एक तरीके से, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से मिलता है और हर कोई जानना चाहता है सक्सेस का इस दौर में। मैं भी ये सीरीज चालू करूंगा इंटरव्यू की, बट मुझे लगता है अगर आपके मन में भी इंटरव्यू लेना आ रहा है तो आज ये स्टूडियो आपके सामने है जिस पर हमने इंटरव्यू लेना चालू करा है। कैसे? सबसे पहला तो इंटरव्यू मैंने अपने आप से लिया, वो देखो। देखा आपने। अब ऐसा ही इस पर एक्चुअल में न्यूज वाला इंटरव्यू कैसे होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, तो ये वीडियो देखिए। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋतु माहेश्वरी मैम, जो कि विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से हैं। ये देखा आपने दोनों वीडियो से, ये तो समझ में आ गया कि इस स्टूडियो से हम सब कुछ कर सकते हैं। असली काम जो कर रहा है ना इस स्टूडियो में, वो है हमारा क्रोमा। ये क्रोमा की आप मान के चलिए कि अपने आप में पूरा गेम चेंजर है। अब देखो, मेरा पहले ये स्टूडियो कैसा था, यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करते थे। हम यहाँ पर हमारा टैब, हमारा ये ऐसा लगा हुआ है, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं पूरा इस तरीके से, या फिर कभी इंटरव्यू लेते हुए हमको इसको शिफ्ट करना हो तो हम इसे पीछे लोगों को दिखा देते। तो ये तो हमने मूवेबल बना के हमारा फायदा हुआ है। स्टूडियो को पूरी तरीके से प्रॉपरली हम यूज करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। सामने लगा दी हमने एक टेबल रेड कलर की, इसलिए लगाइए क्रोमा बहुत आसानी से कटेगा। चेयर डार्क है, दोनों डार्क चेयर भी लगी हुई है, और ये जो क्रोमा है हमने बिना किसी सल के, देखिए कोशिश करिए कि सल ना आए, इसलिए हमने इसको बड़ा स्ट्रेच कर करके लगाया हुआ है। इसका कपड़ा कौन सा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज की, लाइटिंग की, पैनल की, माइक की, और इस टाइप के क्रोमा की भी आपको लिंक दे दूंगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस क्रोमा को थोड़ा सा पास आना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने इसको स्टेपल की मदद से इसको बिल्कुल अटैच कर लिया है हमारे स्टूडियो में, और ये देखिए पूरा प्रॉपरली लगा हुआ है। हमने यहाँ पर एक चीज और आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लाइटिंग का सेटअप मैं आपको भी थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमने नीचे भी, कई बार हमको क्या होता है कि नीचे भी हमने क्रोमा इसलिए लगाया कि हमको अगर खड़े होकर शूट करना है, जहां पे हम बात कर रहे हो, देखा ना न्यूज एंकर खड़े होते हैं और नीचे का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, ये इस टाइप के स्टूडियो से ही होता है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगाया हुआ है, बहुत सिंपल सा बेसिक स्टूडियो बनाया हुआ है। तो देखिए हमने जहां भी इसको लगाया है ना, देखो ये रोल की मदद से लगाया, ये रोल है, देखो ये रोल, ये आप रोल देखो, ये रोल लगाया है और इसके बाद इसको खींचा है, बिल्कुल टाइट खींचा है, और यहां पर भी रोल लगाया है और ऊपर भी रोल लगाया है। तो पाइप आता है जैसे पर्दा टंगता है हमारा, वैसा वाला रोल लगाया है। और उसके बाद में हमने क्या किया है कि ये देखो आप, ये जो हमारा ऐसा पर्दा लगता है ना, ये पूरा ऐसा खिंचाता है, ये पूरी तरीके से खिंचाता है, इसको पूरा पैक करता है। तो सारी एजेस में आपको इस तरीके से खींच खींच के पैक करना है। कपड़ा कौन सा यूज किया है तो मैं आपको कपड़ा भी दिखाता हूँ, कपड़े का एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। ये कपड़ा है हमारा, तो इस कपड़े की लिंक आपको मिल जाएगी, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, इसमें सल बहुत कम आते हैं, तो इस टाइप का कपड़ा अगर आप ले लेंगे तो आपका काम बिल्कुल बकायदा चल जाएगा। स्टेपल की जो बड़ा वाला स्टेपल आता है उसको खुद ही आप ऐसे अटैच कर सकते हो, नीचे कारपेट लगा होना चाहिए और साइड में भी आपका कारपेट लगा होना चाहिए। तो ये स्टूडियो था, टीचिंग स्टूडियो था, इस स्टूडियो को हमने एज अ इंटरव्यू स्टूडियो बनाया और कई इंटरव्यू यहाँ पर शूट करे हमने, तो ये बेस्ट चीज है इस चीज के लिए। अब आप इंटरव्यू लेते हैं तो कैमरे का सेटअप कैसे होता है, तो देखो कैमरे का सेटअप ना डिपेंड करता है, सिंगल कैमरे से भी आप प्ले कर सकते हो बट उससे बहुत इफेक्टिव इंटरव्यू नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ, इसके लिए मुझे लगता है सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, मैं बनाऊंगा भी, बट आपको बता दूं होता क्या है एक्चुअल में, बड़े बड़े जो शूट होते हैं स्टूडियो, एक कैमरा यहां लगता है जो उस चेयर को फोकस करता है, दूसरा कैमरा लगता है इसके जस्ट अपोजिट जो इस चेयर को फोकस करता है, मतलब यहां पर जो स्पीकर बैठा होता है। तो जब भी इंटरव्यू होता है तो एक बार ना रोहित भाई आप इसकी साइड आना, तो जब भी किसी को दो लोग जो बात करते हैं तो वो ऐसे देख के बात करते हैं, ऐसे ये सामने देख के बात करते हैं। अब ये व्यू थोड़ा ऐसे दिखाना, ऐसे करके
तो देखो मैं यहाँ देख के बात करूंगा, जब मैं इनसे बात करूंगा तो यहाँ देख के बात करूंगा, और दूसरा पर्सन जब यहाँ बैठा होता है तो उसे इसे ऐसे देख के बात नहीं करता है, वो इधर थोड़ा सा टिल्ट देख के बात करता है। तो ऐसा करके हम बात करते हैं। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिक्स वाला सर बात कर रहे थे किसी और कैमरे में, तो लल्लन टॉप के जो हमारे सौरभ द्विवेदी साहब, उन्होंने बोला भाई साहब आपका कैमरा ये है, ये क्लिप आप देखना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कैसा लगाया हुआ है। आपका गुरु वो वाला कैमरा है? अच्छा अच्छा, फिर एक लगाइए, चल नहीं वो हमारे लिए है, मैं उधर देख रहा हूं, तुम इधर छापे रहो, ये जाली वाला कैमरा, ठीक है। और एक जो लगता है वो दोनों तरीके से ये दोनों स्पीकर को सामने से कवर करता है, तो तीन कैमरे सेम क्वालिटी के कैमरे का सेटअप लगता है, बट दो में भी काम हो जाता है, पर अगर आप आइडियल चाहते हो तीन में। अब लाइटिंग क्या होती है, तो दो लाइटिंग हमने यहां पे लगा रखी है, ऐसे वाली लाइट लगती है, एक यहां पे लाइटिंग, एक स्पीकर पे इस साइड, एक स्पीकर पे उस साइड। दूसरी जो लाइट लगती है इसी टाइप की लाइट लगती है, चार लाइट लगती है यहां पर, तो एक इसी लाइट को मैं यहां पर लेके जाता हूं, ये लाइट यहां पर लगती है। टोटल जो हम मान के चले कि ये जो लाइट लगती है एक यहां पर भी लगती है, ये देखो इस टाइप की लाइट, थोड़ा सा ऊपर करके इसको ऊपर करके हम लोग यहां पर भी देते हैं यहां पर, तो पीछे का बैकग्राउंड पे जो शेडो आ रही है चेयर्स की, पर्सन की, वो शेडो नहीं आती, क्रोमा कट करने में आसानी होती है। तो तीन वीडियो के आउटपुट जब मर्ज होते हैं तब जाके एक अच्छा इंटरव्यू बनता है। तो मैं भी अपने इंटरव्यू की सीरीज लेके आऊंगा ना, तो मैं तीन कैमरा यूज करूंगा, एक कैमरे में तो बिल्कुल मजा नहीं आता है कि सामने ऐसे देख देख के बातें करते, मजा आता है टोटल तीन कैमरे में। तो तीन कैमरे का सेटअप होता है, लाइटिंग चार लगती है, क्रोमा ऐसा पूरा लगता है, डार्क कलर के चेयर कुर्सी टेबल लगते हैं। तो आप भी अपने टॉपर स्टॉक कराओ ना, आप टॉपर स्टॉक कराओ तो टॉपर से ऐसे स्टूडियो में बात करो, बहुत अच्छा है, इससे आपके एकदम क्वालिटी निखर के आती है। तीन कैमरा रेंटल कैमरा ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में पांच टॉपर को बुलाओ, करो तीन कैमरा लो, एक कैमरे का 1500 रुपए रेंट होता है अच्छे से अच्छे कैमरे का, तो 1500 4500 रुपए में तो आपका पूरा ही आ जाता है। उसके बाद में किसी समझदार इंसान से एडिटिंग कराओ और आपका इंटरव्यू तैयार हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है। माइक की बात करें तो माइक में दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप रोड के माइक ले लो, है ना, रोड का एक आता है 1:2 का माइक आता है, या फिर शिनाइजर का 55,000 का माइक आता है, रोड का 30-35,000 का माइक आता है, और उससे भी नीचे जाना है और सबसे बेस्ट आता है तो एक अच्छा माइक आता है बोया का 1:2 रेशियो का 2500 रुपए का। तो आपके बिजनेस का ग्रोथ पार्टनर बनेंगे हम, हर स्ट्रेटेजी हर तरीके से, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक वेबसाइट किसी भी चीज पे ग्रो कैसे करना है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपके साथ में, मैं खुद लग कर उसको हेल्प करूंगा। तो आप अगर हमारे स्टूडियो सेटअप की सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग और अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, इस नंबर पर हमें कॉल करिए और हमसे जुड़िए, हमारी पूरी टीम आपके साथ आपके इस काम में आपकी मदद करेगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस टाइप के इंटरव्यू के सेटअप को देखकर आपको ये ना लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, पर खर्चा तो है, अगर पैसा है तो आप खर्च करिए, वरना घूमते फिरते इंटरव्यू लीजिए, दोनों चीज आपके हाथ में है। मैं आकाश सावकारे, फाउंडर एजु स्क्वाड, ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा, ताकि आपकी YouTube या फिर हम बात करें ऑनलाइन जर्नी बिल्कुल स्मूथ चले, आपको किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लगता है फिर भी कोई लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट जो आप मैं मिस कर चुका हूं, या फिर आपका कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको इंडिविजुअली खुद रिप्लाई करूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।